नमस्कार, न्यूज़ हिंदी टीवी चैनल में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट से तीसरी मौत। रायगढ़ में 69 वर्षीय बुजुर्ग की गई जान। महाराष्ट्र के राजगढ़ में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट से एक मौत की जानकारी सामने आई है। बल्कि महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट से ये तीसरी मौत है। वायरस के ये वेरिएंट से पहली मौत रत्नागिरी में और दूसरी मुंबई में रिपोर्ट की गई थी। रायगढ़ जिले की कलेक्टर निधि चौधरी ने डेल्टा प्लस वेरिएंट से 69 वर्षीय बुजुर्ग की मौत की पुष्टि की है। विस्तृत जानकारी का इंतजार है। गौरतलब यह है कि इससे पहले देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में डेल्टा प्लस वेरिएंट से एक महिला की मौत हो गई थी। 63 वर्षीय इस महिला ने वैक्सीन के दोनों डोज ले थे। 21 जुलाई को वह टेस्ट में कोविड पॉजिटिव पाई गई थी और 27 जुलाई को उनका निधन हो गया। इस महिला को डायबिटीज समेत कई बीमारियां थी। यह पहला महिला मुंबई के 7 रोगियों में से एक थी जो हाल ही में डेल्टा प्लस वेरिएंट से पॉजिटिव पाए गए थे। इनके जीनोम सीक्वेंसिंग से नतीजे 11 अगस्त को आए थे। उनके 2 करीबी संपर्कों में भी डेल्टा प्लस की पहचान की गई है। अस्पताल में वह ऑक्सीजन सपोर्ट पर थी और उन्हें स्टेरॉइड और रेमडेसिविर दिया गया था। महिला की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। गौरतलब यह है कि महाराष्ट्र में कोविड-19 का डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ कुल 60 से ज़्यादा डेल्टा प्लस मरीज है। डेल्टा प्लस से बढ़ते मामले के बीच वैक्सीन के अभाव की खबरें सामने आई है।